सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्वाद ऑफिशियल चैनल को और इस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर बैठे। आज बड़े दिनों के बाद हमारा नोएडा में चक्कर लग रहा है जी, और लोगों ने हमें बहुत रिकमेंड किया है कि अगर आप नोएडा जाएं तो डेलिश बारबेक्यू करके एक टेक अवे है, वहां पे जाके खाना एक बार या तो लेके घर जाइएगा या डिलीवरी मंगवाइएगा, बहुत ही बढ़िया उनका खाना है। तो बहुत सारे लोगों ने हमें रिकमेंड किया, आज हम नोएडा जा रहे हैं और आज हम डेलिश बारबेक्यू से खाना पैक कराने वाले हैं और घर जाके देखने वाले कि उनका खाना कैसा है। मुझे लोगों ने बताया कि उनका लाहौरी पनीर बहुत बढ़िया है, उनका तंदूरी जो मोमोज हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं। तो ये सब तो हम खाएंगे और भी देखेंगे क्या क्या हमारे लिए डेलिश बारबेक्यू पे है। तो आइए चलते हैं डेलिश बारबेक्यू और देखते हैं कैसा है उनका खाना जो इतने लोगों ने हमें रेकमेंड किया। चलिए सर, क्या बना रहे हैं? चिल्ली चाप बना सर। चिल्ली चाप, गार्लिक डालना है, गार्लिक प्याज, शिमला मिर्च डाइस डाइस, शिमला मिर्च और अनियन, हाँ जी सब प्याज, अनियन अनियन चॉप्ड अनियन, हाँ जी। शेफ ये स्पाइसी बनता है? बहुत नॉर्मल रहता है सर। नॉर्मल, अगर कोई कहे स्पाइसी तो हो जाता है? हो जाता है। डैश मिर्च, ग्रीन चिली, हल्का पानी, नमक, वाइट पेपर, थोड़ा ग्रीन चिली सॉस, टमाटर केचप, सोया सॉस, रेड चिल्ली, सांप। ये हमने पहले से फ्राई करके रखी है सांप? हाँ जी सर। तो सर, लॉकडाउन के दौरान और अभी कितना फर्क पड़ा है काम में? सर, लॉकडाउन जब हुआ था मार्च में, उस टाइम तक हम लोग बूम पे थे, हमारा काम बहुत ही अच्छा था। उसके बाद से हमारा काम काफ़ी ज़्यादा, 2 महीने तो खैर रेस्टोरेंट हमारा क्लोज रहा, इट वॉज क्लोज फॉर 2 मंथ, बट उसके बाद जब शुरू किया है तो काम हमारा करीबन 30-35% रह गया है एज़ कम्पेयर जो पहले हमारा काम होता था। प्रिकॉशंस क्या क्या लेते हो सर आप? सर, प्रिकॉशंस के उसमें हमारा स्टाफ कोई भी जाता है कहीं बाहर तो ऑर्डर लेके, फॉर एग्जाम्पल जाता है, वो शील्ड पहन के जाता है अगर हमारे पास रेस्टोरेंट पर डायरेक्टली कोई ऑर्डर कर रहा है, एंड पूरे का पूरे सैनिटाइजर उनके हाथ में होता है कि ऑर्डर देने के टाइम पे और लेने के टाइम पे यहाँ से हाथ सैनिटाइज होते हैं, और देने के बाद वहाँ से जब निकलते हैं तो खुद अपने आप हैंड सैनिटाइज करते हैं, और उनके पास हर एक के पास एक टेम्परेचर गन है कि एक दूसरे का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, बिकॉज कहीं पे लिफ्ट में उनको जाना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, दे प्रेफर कि कस्टमर बाहर आ जाए उनसे ऑर्डर लेने के लिए। और रही बात रेस्टोरेंट के स्टाफ की, शेफ्स की, किचन स्टाफ की और यूटी स्टाफ की, हर एक का डेली टेम्परेचर चेक होता है जब यहाँ पे आते हैं, एंड सैनिटाइज होते हैं, उसके बाद वो रेस्टोरेंट में एंटर कर पाते हैं। ये हम तवा चाप बनाने जा रहे हैं सर जी, ठीक है सर, मक्खन में तवा चाप बन रही है जी स्पेशल, और वो भी अमूल मक्खन में, क्या बात है। गर्म हो गया सर, अभी सर ये डाल दिया हमने गार्लिक, जी जी गार्लिक। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे ढाबों पे गया हूँ और मैंने जो तवा चाप या तवा पनीर या तवा चिकन होता है उसको तवे पे बनते नहीं देखा है, टू बी वेरी फ्रैंक, बट यहाँ पे जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है। अगर आपको बोला जा रहा है कि तवा चाप है तो उसको देखिए तवा पे ही बनाया जा रहा है, और तवे का साइज़ देखो कितना बड़ा है। ये थोड़ा सा टमाटो ग्रेवी है, टमाटो ग्रेवी जी, ये काजू मगज का, काजू मगज की वाइट ग्रेवी, जी 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 चाप। तो आपने फ्राई करके रखी है पहले? जी 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 सर, फ्राई करके सर, ये पूरा ये पौना पक चुका है सर, ये अच्छा हमें सिर्फ
इसको थोड़ा पकाना है, मसाला में इसको कटिंग करना है सर। बाहर बहुत बढ़िया सर। सर जी ये है मसाला, चो मसाला जी। ये अदरक मिर्ची, अदरक और हरी मिर्ची जी जी सर। धनिया, धनिया थोड़ा क्रीम डालनी है सर इसमें। क्या बात है। अब हो गई थी शेफ जी। सर देखिए जी, तवा चाप बनके हो चुकी है तैयार। कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम मक्खन में तैयार हुई है। इतनी क्रीम इसके अंदर है, रिचनेस भरपूर है, टेस्ट भी भरपूर है और दिखने में भी बहुत ही लाजवाब लग रही है। सात साल पहले नकुल ने केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और अब लगभग इनको चार साल हो चुके हैं जब से इन्होंने रेस्टोरेंट यहाँ पे स्टार्ट किया है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट ऑफ कोर्स बहुत अच्छा चल रहा था लॉकडाउन से पहले, कुछ चीज़ें बदली हैं, बदलाव आया है हर किसी की ज़िंदगी में, आया है नॉट जस्ट हिज बट हर किसी को थोड़ा सा झटका लगा है। तो जहाँ पर भी प्रिकॉशन लिए जाते हैं, जहाँ पर भी सेफ्टी मेजर लिए जाते हैं, आई थिंक हम लोगों को ही इनको बढ़ावा देना चाहिए, खाना खाना चाहिए, ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का सेफ्टी मेजर्स हम खुद देख के आए हैं। तो जिस तरीके का खाना है, खाने की बात करूं, खाना भी बहुत अच्छा है आपके सामने, आपने देखा किस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, तो अगर आपको 119 रुपए में मात्र तंदूरी मोमोज मिल जाएंगे जो कि इतने ज़्यादा स्वाद है कि अगर एक बार आप खाएंगे तो मुझे थैंक यू करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो गाइस आई थिंक वी शुड ऑर्डर, वी शुड नॉट पुश बैक, स्केयर्ड नहीं होना चाहिए हमें। जाइए खाइए और बताइए कि डेलिश बारबेक्यू का जो खाना है वो आपको कैसा लगा। अभी ये डिलीवरी किचन है तो आप घर पे मंगवा सकते हैं, खा सकते हैं। कभी भी नोएडा में आए तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा कि आपको जो इनका खाना है वो कैसा लगा। तो हमारा जो खाना है जी वो हमने पैक करा लिया। ऑफकोर्स ये डिलीवरी किचन है तो हमने यहाँ पे आगे ऑर्डर दिया और खाना पैक करा लिया। अब हम अपने घर चलते हैं और इस खाने का लुत्फ़ उठाते हैं और आपको बताते हैं कि जो इसका स्वाद है वो कैसा है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं मेरे घर और टेस्ट करते हैं इस खाने को और स्वाद आपको हम उसका बताएंगे। चलिए ऑलराइट जी, सो हम घर पहुंच चुके हैं और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि हमने खाना यहाँ पे खोल के रख लिया है। तो हमने जो जो भी ऑर्डर किया था वो हमारे सामने है। तो मैंने सुना है, मैंने जो तारीफ़ सुनी है जी वो इनके तंदूरी मोमोज़ की सुनी है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम सबसे पहले शुरुआत भी इससे करेंगे। तो इसकी कीमत आपको मैंने बता ही दिया है, 119 रुपये है जी और 8 पीस आपको तंदूरी मोमोज़ मिलते हैं। आइए टेस्ट करते हैं। वाह, देखिए अगर हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें रेकमेंड किया है तो आई एम श्योर उसकी रिकमेंडेशन कभी बेकार नहीं होगी भाई। बहुत ही लाजवाब तंदूरी मोमोज़ है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे चाइनीज़ जगहों पे भी ये तंदूरी मोमोज़ खाए हैं बट इसका टेस्ट बहुत ही औसम है। उसके बाद हमने यहाँ पे सोया चिली है जी जो कि हमने बनवाई थी, तो इसको भी ट्राई करते हैं। आपने देखा किस तरीके से इसको बनाया जाता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद दो तीन तरीके की हमने यहाँ पे ग्रेवीज ऑर्डर करी हैं। आपने देखा हमने रौरी पनीर किया है, चिकन टिक्का मसाला किया है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तवा चाप है। तो आइए एक एक करके इनको भी ट्राई करते हैं और आपको उसका स्वाद बताते हैं। तो प्लेट में डाल लेते हैं थोड़ी सी पहले पनीर की सब्ज़ी। इधर है जी चिकन टिक्का मसाला। और साथ में है जी इधर तवा चाप। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जी लाहौरी पनीर से। मुझे तो देख के इतना मुंह में पानी आ रहा था ना इसको। और इसकी भी रिकमेंडेशन हमें दी है कि बहुत स्वाद है जी, इसको भी ट्राई करो। बहुत ही लाजवाब है। तीन तरीके की अलग अलग ग्रेवीज का इसमें इस्तेमाल किया गया है जैसे कि आपने देखा। और उसके बाद इसको देसी घी, मक्खन और साथ में फिनिश किया गया था क्रीम से। और जिसमें अदरक का स्वाद आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा है कि इन्होंने इसमें पनीर टिक्के का इस्तेमाल किया है, उससे जो स्वाद है वो बहुत ही स्मोकी हो गया है और बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा जी लाहौरी पनीर को। नेक्स्ट वी विल ट्राई चिकन टिक्का मसाला, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है।
बहुत ही लाजवाब देसी घी का सौंधी सौंधी जो खुशबू है वो इसमें आ रही है, और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट, बहुत ही अच्छा स्वाद है। मसाले बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि ज़्यादा पंजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि ज़्यादा जो टेस्ट है वो मसालों से ओवर पावरिंग नहीं हो रहा है, तो इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत लाजवाब है। फिनिश करते हैं जी तवा चाप से, जिसको आपने देखा कि घी के अंदर बनाया गया है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम ओवरऑल खाने की बात करें तो खाना बहुत ही स्वाद, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब है। अगर आप नोएडा में रहते हैं या अगर वहाँ से निकल रहे हैं तो आप इसको टेक अवे डिलीवरी ले सकते हैं, खाना बहुत टेस्टी है। एक बार डेलिश बारबेक्यू जाके ये खाने का ट्राई कीजिएगा, और मेरी मानिए ये तंदूरी मोमोज और ये लाहौरी पनीर तो ज़रूर ऑर्डर करना, बहुत ही स्वादिष्ट है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पर, एक नए खाने की तलाश में।